मुझे छोड़ दीजिए यमराज जी, मेरी पोती रूही अभी बहुत छोटी है। वो 6 साल की छोटी बच्ची मेरे बिना बिल्कुल अकेली इस दुनिया में कैसे रहेगी? उसका मेरे सिवा कोई नहीं यमराज जी, मुझे छोड़ दीजिए। तुम्हारा समय धरती पर अब पूरा हो गया है, तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है। अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। चलो, तुम्हारा जाने का वक्त हो गया। दादाजी, दादाजी आप मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ दादाजी। आह, अचानक रूही सड़क पर पड़े एक पत्थर से ठोकर खाकर गिर जाती है। रूही, रूही। दीनू देखता है वो बिस्तर पर है और ये सिर्फ एक सपना था। दादाजी क्या हुआ? क्या आपने कोई बुरा सपना देखा दादाजी? रूही मेरी बच्ची। हाँ हाँ, कुछ नहीं मेरी प्यारी बच्ची। अरे सुबह हो गई, चल उठ जा, तू स्कूल जाने के लिए तैयार हो जा मेरी बिटिया। दीनू एक गरीब मोची है, वो रोजाना थोड़े पैसे कमा कर अपना घर चला रहा है। उसकी पोती रूही जब 2 महीने की थी तब एक एक्सीडेंट में उसके माता पिता गुजर गए। रूही की जिम्मेदारी दीनू के बूढ़े कंधों पर आ गई। दीनू अपनी पोती रूही का बहुत ख्याल रखता था। रूही भी अपने दादाजी को बहुत प्यार करती थी। दादाजी मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे आपके साथ काम पर जाना है। आप भी तो अकेले सारा काम करके थक जाते हो। नहीं नहीं बेटिया, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, तो खूब मन लगा कर पढ़ा कर, फिर एक दिन तू बड़ी अफसर बन जाएगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। चल अब देर मत कर, स्कूल जाने का समय हो रहा है, मैं तुझे स्कूल छोड़ते हुए काम पर चला जाऊंगा। दीनू रूही को स्कूल छोड़कर अपने काम पर चला जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर मोची का काम करता था। सबके जूते पॉलिश करना, जूतों की मरम्मत करना, पर उससे उसे ज्यादा पैसे नहीं मिल पाते थे। दीनू ने कुछ दिन बाद फिर से वही सपना देखा और अचानक उठ बैठा। दीनू की आंखों में आंसू थे, तभी रूही भी उठ बैठी और उससे बोली, क्या बात है दादाजी, आप उस दिन भी घबरा गए थे और आज भी नींद में घबरा गए। आप मुझे बताओ ना क्या बात है, आपने क्या सपना देखा? कुछ नहीं बेटिया, तू परेशान मत हो, ऐसे ही बस थोड़ा डर गया था। नहीं दादाजी, मैं तब तक नहीं मानूंगी जब तक आप मुझे नहीं बताओगे क्या बात है, आपको मेरी कसम। रूही दीनू से बार बार पूछती है तो दीनू उसे सपने वाली बात बताता है। दादाजी बस इतनी सी बात, जब यमराज जी आपको लेने के लिए आएंगे मैं उनका रास्ता रोक दूंगी, मैं आपको उनके साथ जाने ही नहीं दूंगी। आप डरो नहीं, आपको कुछ नहीं होगा। अरे मेरी बच्ची, तू कितनी प्यारी है, कितनी मासूम, पर मैं क्या करूं? मेरा मन तो बहुत घबरा रहा है, 2 बार मैंने ये सपना देख लिया, कहीं ये सच हो गया तो इस मासूम का क्या होगा? अभी तो ये इतनी समझदार भी नहीं है कि ये अपनी परवरिश खुद कर सके। मुझे रूही की बहुत चिंता हो रही है, किसके सहारे मैं अपनी पोती को छोड़ जाऊंगा। दीनू की उम्र हो चली थी, वो 70 साल का एक बूढ़ा था। अब उसके हाथ पैर कांपते थे, शरीर कमजोर हो गया था इसलिए वो ज्यादा काम नहीं कर पाता था। बड़ी गलती कर दी बाबा, तुमसे जूते पॉलिश करवा के सामने की दुकान से करवा लेता। कितनी देर से जूते पॉलिश कर रहे हो, हैं? अभी तक नहीं करके दिया, मुझे देर हो रही है। हो गए बेटा, बस क्या करूं, बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ी आंखों और हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है, ये लो हो गए। दीनू को जिस बात का डर था वही हुआ। एक दिन दीनू जब काम करके घर लौटा, अचानक उसके सीने में दर्द उठा और वो जमीन पर गिर गया। रूही समझ गई कि यमराज जी उसके दादाजी को लेने आए हैं। यमराज जी उसकी आत्मा को लेकर जाने लगे, तभी उन्हें एक आवाज ने रोक दिया। कौन है जो मुझे बुला रहा है? यमराज जी रुकिए, यमराज जी रुकिए। अरे कौन हो तुम और मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो? मुझे आपके साथ जाना है, मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। ऐसा नहीं होता, तुम्हारी आयु अभी बाकी है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। पर मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरी आयु पूरी नहीं हुई तो क्या? आप मेरी आयु पूरी कर दो और मुझे अपने साथ ले चलो। यमराज जी समझ गए थे कि ये कोई मासूम बच्ची है, इसे थोड़ा बातों का फेरबदल करता हूँ, शायद लौट जाए। बेटी तुम्हें क्या चाहिए? कपड़े, पैसे, चॉकलेट, टॉफी, खाने का सामान, तुम्हें जो चाहिए मैं सब दूंगा, पर अभी मेरा रास्ता छोड़ दो। तुम मेरे रास्ते से हट जाओगी तो मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। आप सच कह रहे हैं, मैं कुछ भी कहूंगी, आप मेरी हर इच्छा पूरी करोगे? हाँ मैं अपना वचन अवश्य पूरा करूंगा, मांगो
तुम्हारी क्या इच्छा है? अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, तो आप मेरे दादाजी को छोड़ दो। मेरे दादाजी को अपने साथ मत ले जाओ। तुम्हारे दादाजी? पर तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? यही जिन्हें आप अपने साथ ले जा रहे हैं। आप इन्हें छोड़ दो, मेरा इनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपने दादाजी के बिना धरती पर रहकर क्या करूँगी? आप पहले ही मेरे माँ पापा को अपने साथ ले जा चुके हो यमराज जी। अब आप या तो मेरे दादाजी को वापस जिंदा कर दो, या फिर मुझे भी अपने साथ ले जाओ। रूही की दर्द भरी आवाज और उसकी आंखों से बहते हुए आंसू देखकर यमराज जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने रूही से कहा, रूही बेटा, अपनी आंखें बंद करो। रूही जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, वो अपने आप को दादाजी के पास पाती है। दीनू बिस्तर पर लेटा हुआ था। रूही मेरी बच्ची, आज पता नहीं मुझे ऐसा लगा मानो मैं मरकर वापस लौट आया। जब मैं चक्कर खाकर गिरा था, उसके बाद मुझे होश ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। रूही अपने दादाजी के गले लग जाती है। आज वो सचमुच अपने दादाजी को यमराज जी से वापस मांग ही लाई थी। महेश एक गरीब मोची था। वो अपनी माँ के साथ रहता था। महेश सारा दिन गांव में घूम घूम कर मोची का काम करता था और जो पैसे मिलते उसी से उसके घर का गुजारा होता था। अरे बाप रे, तेरे तो दाम बहुत बढ़ गए हैं महेश। ये जरा सी सिलाई ही तुम्हारी है चप्पल पर, इसके भी 5 रुपए मांग रहा है। नहीं चाचा, सिलाई के साथ साथ मैंने पूरी चप्पल को चिपकाया भी है, देखो। और फिर चमड़े की चप्पल है, इसमें मेहनत ज्यादा लगती है। 2 रुपए से ऊपर एक दाम भी नहीं दूंगा, ये लो 2 रुपए। ऐसे कैसे गुजारा होगा? ग्राहक से काम के बदले उचित दाम मांगो तो 5 रुपए के बदले 2 रुपए पकड़ाता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। अपने काम को लेकर महेश थोड़ा परेशान रहने लगा था। एक दिन जब वो अपने काम से घर लौट रहा था, तो उसने सोचा, इस गांव में तो अब मेरे लिए काम रह ही नहीं गया है, मुझे दूसरे गांव में भी काम पकड़ना पड़ेगा। क्या बात है महेश बेटा, तू कुछ परेशान लग रहा है। माँ, कुछ समय से गांव में मेरा काम चल नहीं रहा है। मैं सोच रहा था साथ में कोई दूसरा गांव भी पकड़ लेता हूँ, हो सकता है थोड़ी कमाई ज्यादा हो जाए। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, पर अपना ध्यान रखना, मेरा तेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं है। हाँ माँ, मैं शाम को समय से पहले लौट आया करूँगा। अगले दिन से महेश दूसरे गांव में जाकर काम करने लगा। वो सुबह ही घर से निकल जाता था और शाम को घर लौटता था। एक रात महेश जब वापस अपने गांव लौट रहा था, तो बहुत तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अरे अरे, ये तो बारिश शुरू हो गई, मैं तो पूरा भीग ही जाऊंगा। जंगल के रास्ते से घर चला जाता हूँ, कम से कम पेड़ों की आड़ में बारिश से तो बची जाऊंगा। हाँ, वो सामने पेड़ दिखाई दे रहा है, उसी पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता हूँ। अरे, ये सामने 3 युवतियाँ कौन है, और इनमें से एक युवती रो क्यों रही है? इतने घने जंगल में ये 3 युवतियाँ आखिर ये है कौन? राजकुमारी नैना, अब आप जादुई लोग वापस कैसे जाएंगी? इस मूसलाधार बारिश में आपकी चप्पल टूट गई है। इसी बात का तो हमें डर है, जब तक ये चप्पल ठीक नहीं हो जाती, हम अपने जादुई लोक में वापस नहीं जा सकते। अब हमारी मदद कौन करेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये युवतियाँ तो किसी बड़ी मुसीबत में दिखाई पड़ती हैं। मुझे इनके पास जाकर इनकी मदद करनी चाहिए। महेश उन युवतियों के पास जाता है। मेरा नाम महेश है, मैंने आप तीनों की सारी बातें सुन ली हैं। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? तुम एक साधारण मनुष्य हो, तो भला हमारी क्या मदद कर सकोगे? हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें पता भी हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। देखिए, दुख को बांटने से दुख कम हो जाता है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। दिव्या, चंद्रा, ये युवक हमारी खुद मदद करने आए हैं, वरना कौन बिना स्वार्थ के किसी की सहायता करता है? मेरी परेशानी का कारण है मेरी ये चप्पल, जो बारिश में भीग कर खराब हो गई है। इनकी सिलाई भी उधड़ गई है, और जब तक ये चप्पल ठीक नहीं होंगी, इनका जादू काम नहीं करेगा। मुझे जादुई लोक वापस जाना है। जब तक मैं ये चप्पल नहीं पहनूंगी, तब तक मैं अपने लोक वापस नहीं जा सकती। बस इतनी सी बात, ये तो मेरे दाएं हाथ का कमाल है। मैं पेशे से एक मोची हूँ और जूते चप्पल जोड़ने का काम करता हूँ। अभी तुम्हारी ये चप्पल ठीक कर देता हूँ। या तुम ऐसा कर सकते हो, फिर तो तुम मेरा काम बहुत आसान कर दोगे। मैं अभी अपने थैले में से सामान निकालता हूँ। अरे ये क्या, मेरे थैले में तो पानी भर गया है, सारा सामान गीला हो गया। अब मैं तुम्हारी चप्पल कैसे सिलूंगा? मुझे इसके लिए धागे की जरूरत होगी। रुको, मैं तुम्हें जादुई धागा देती हूँ, शायद वो तुम्हारे काम आ जाए। राजकुमारी नैना हवा में हाथ घुमाती है और उसके हाथ में रेशमी धागे का गोला आ जाता है। महेश उस धागे से राजकुमारी की चप्पल अच्छे से सिल देता है और वो बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। ये लीजिए राजकुमारी जी, आपकी चप्पल बिल्कुल ठीक हो गई है। अरे हाँ, सचमुच मेरी चप्पल तो बिल्कुल ठीक हो गई।
इसे देखकर तो लगता ही नहीं कि ये कभी टूटी भी थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है राजकुमारी, और फिर मुसीबत में किसी की सहायता करना ही तो मनुष्य का धर्म है। बस मैंने तो उसी धर्म को पूरा किया। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। नहीं राजकुमारी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं चलता हूँ, घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। मैं सुबह से काम पर निकला हुआ था और बारिश के कारण आज घर पहुँचने में मुझे देर हो गई। सचमुच तुम बहुत अच्छे इंसान हो, जो दूसरों की मदद करने के साथ साथ अपनी माँ से भी इतना प्रेम करते हो। तो अभी मैं चलती हूँ, फिर मैं दोबारा तुमसे मिलने जरूर आऊंगी। इतना कहकर राजकुमारी नैना अपनी सखियों के साथ वापस जादुई लोग पहुंच जाती है। पर ना जाने नैना का मन बार बार महेश को याद कर रहा था। राजकुमारी नैना, जब से आप उस युवक से मिलकर आई हो तब से मैं देख रही हूँ आपका मन कहीं भी स्थिर नहीं हो रहा। पता नहीं, मेरा मन उदास है। पिताजी मेरे स्वयंवर की तैयारियों में लगे हुए हैं और मैं चाहती हूँ मैं उस युवक को अपना जीवन साथी बनाऊँ। उस युवक में बिल्कुल भी लालच नहीं था। यदि वो चाहता तो मेरे से कुछ भी मांग सकता था। वो युवक सबसे अलग है, इसीलिए मुझे वो बहुत पसंद है। पर राजकुमारी, उस युवक से आपका विवाह होना असंभव है, क्योंकि वह युवक धरती पर रहता है और जादुई लोक में उसका आना संभव नहीं है। एक बार मैं पिताजी से बात करना चाहती हूँ, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने कोशिश नहीं की। राजकुमारी नैना अपने पिता से महेश के बारे में बात करती है। राजकुमारी नैना, तुम जानती हो धरती वासियों का हमारे जादुई लोक में आना संभव नहीं। उस युवक से तुम्हारा विवाह मैं एक ही शर्त पर कर सकता हूँ। उसे सबसे पहले जादुई लोक आना होगा। यदि वो इस शर्त को पूरा कर देता है तो मैं तुम्हारा विवाह उससे अवश्य कर दूंगा। अब मैं क्या करूँ, महेश को जादुई लोक में कैसे ला सकती हूँ? मुझे महेश से मिलना होगा। राजकुमारी नैना धरती पर महेश को तलाशती हुई उसके पास पहुँचती है और उसे अपने दिल की बात कहती है। राजकुमारी नैना, मैं तो एक गरीब मोची हूँ, भला मेरी और आपकी क्या बराबरी? नहीं महेश, हम तुमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। महेश बेटा, मैंने नैना की आंखों में तुम्हारे लिए प्रेम देखा है और मुझे भी नैना बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ कि तुम नैना के साथ जादुई लोग जाओ और विवाह करके नैना को बहू बनाकर हमारे घर ले आओ। पर माँ, मैं जादुई लोग कैसे जाऊँगा? इसका कोई उपाय नहीं है? एक उपाय है, वो जादुई धागा जो तुम्हें नैना ने दिया था। मैं तुम्हारी बात समझ गया माँ, तुमने मेरी मुश्किल आसान कर दी। मुझे जादुई लोग जाने का रास्ता मिल गया है। मुझे आशीर्वाद दो माँ कि मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं और नैना को तुम्हारी बहू बनाकर ला सकूं। राजकुमारी नैना धागे का एक सिरा अपने हाथ पर बांध लेती है और दूसरा सिरा महेश पकड़ लेता है। राजकुमारी नैना अपनी जादुई चप्पल की सहायता से हवा में उड़ने लगती है और साथ ही साथ महेश उसके पीछे पीछे उड़ने लगता है। कुछ ही देर में राजकुमारी नैना महेश को लेकर जादुई लोक पहुंच जाती है। जिस घर में माँ बेटे में इतना प्रेम और विश्वास हो, उस घर में बेटी देने में भला मुझे क्या एतराज होगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। माँ, पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं धरती लोक पर एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू बनकर रह सकूं। नैना की शादी महेश से हो जाती है और नैना के माता पिता उसे खूब सारी धन दौलत देकर विदा करते हैं। उस दिन से नैना महेश और उसकी माँ के साथ धरती पर खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है।